नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने हेल्थ को मेंटेन कर रहे होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं। इसी बीच एक खुशखबरी ये है कि अपना जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है, तो उस सब के लिए, आप सबके सहयोग के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपका ये जो विश्वास है वो आगे भी बनाए रखोगे। आगामी जो नेट का एग्ज़ाम जो जल्दी होने की संभावना है, उसकी तैयारी के बारे में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगी। सबसे पहला तो यही है कि उम्मीद यही करते हैं कि आपने अब तक काफ़ी सारा सिलेबस जो है वो पढ़ लिया होगा, याद कर लिया होगा। अगर अभी भी कुछ बाकी है तो उसे जल्दी जल्दी आप निपटा लीजिए। इसके बाद जो नेट के एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़रूरी होता है वो होता है मॉक टेस्ट। जब तक हम मॉक टेस्ट नहीं देंगे, वो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, जब तक हम मॉक टेस्ट नहीं देंगे तब तक हम अपनी तैयारी को उधार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना है कि जब तक अपनी तैयारी उच्च दर्जे की नहीं होगी तब तक हम नेट और जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करने में शायद सफल ना हो पाए। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन शायद हम एक या दो अंक से चूक जाए। तो इसके लिए जो मॉक टेस्ट है वो सबसे बेस्ट रहेगा, एनटीए की साइट पर जाकर मॉक टेस्ट करना, क्योंकि वहाँ सेम वही प्रोसीजर है जैसी हमें मेन एग्जाम में देखने को मिलती है। तो जो एनटीए की साइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से देख लेना। लेकिन इसके अलावा जो एक जो बड़ी मेजर प्रॉब्लम आई है पीछे जो पेपर हुआ था उसमें भी, और पीछे का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है हिंदी ट्रांसलेट की, क्योंकि उसमें जो अंग्रेजी के वर्ड्स होते हैं उनका हिंदी ट्रांसलेट कुछ इस तरह से किया होता है कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है वो उनको बिल्कुल भी नहीं समझ पाते, या फिर समझ पाते हैं तो उस वे में नहीं समझ पाते कि वो अपना उत्तर सही कर सकें। तो उसके लिए मेरी हमेशा यही राय रहती है कि ज्योग्राफी जो है उसे हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में पढ़ना भी जरूरी होता है, क्योंकि अपने जो राइटर है वो फॉरेन के हैं लगभग सारे ही। तो ऐसे में जरूरी ये है कि जब भी आप कोई ट्रम्प पढ़ो ज्योग्राफी का हिंदी में, तो उसके साथ साथ उसका इंग्लिश ट्रांसलेट जरूर पढ़ लें, क्योंकि वहाँ जो एक दो नंबर से पिछड़ना है उसे हम कवर कर सकते हैं इसके द्वारा। और इसके अलावा दोस्तों एक बात और बता दूं कि नेट की दृष्टि से उपयोगी जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी के कुछ वीडियोज है वो मैं आगामी दो चार दिनों में पोस्ट करने वाली हूँ। इसके अलावा GIS है, रिमोट सेंसिंग है, और कोशिश ये भी रहेगी कि जो सांख्यिकी है उनके भी कुछ उपयोगी वीडियो अपलोड किए जाएं, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिनमें से प्रश्न अधिकतम आ रहे हैं, और ये जो प्रश्न है इनका स्टडी मटेरियल है वो अपने पास बहुत कम होता है। तो अभी जो आगे वाले जो वीडियो होंगे उसमें आपको नेट की दृष्टि से जो भी अपने टॉपिक है उन सबका पॉलिटिकल ज्योग्राफी का वीडियो मिलेगा। इसके अलावा पहले भी मैंने एक दो वीडियो बनाए हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी के, वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड नहीं करती, लेकिन जो नेट की दृष्टि से ऐसे टॉपिक है जिनके वीडियो हमें बहुत कम मिलते हैं मैं उन्हीं के वीडियो बनाकर आपको भेजती हूँ। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।